निवेदन करूंगा कि जिम्मेवारी को समझना पड़ेगा आपको, इस जिम्मेवारी को मजबूती से आगे ले जाना पड़ेगा। और मजबूती से आगे कैसे ले जा सकते हो, मजबूती से आगे जब ही ले जा सकते हो कि एक एक साथी मजबूती के साथ अपने वोट की ताकत से राम सिंह वैद की ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। साथियों, अगर राम सिंह वैद विधायक बन के जाएगा तो ये सोच लेना चंडीगढ़ में मेरी शक्ति बढ़ेगी, मेरी ताकत को बढ़ाने का काम करेगा। मैं निवेदन प्रार्थना आपसे यही करने आया हूँ कि आज मोटा भाई छोटा भाई हरियाणा के दौरे कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कहते थे कि मोदी की तो भाई 4 रैली करावेंगे और 75 पार करेंगे। ये हौसला ये ताकत आपकी है कि 4 रैली नहीं, मोदी ने अब 9 रैली करनी पड़ेगी। और मैं तो खुली चुनौती देता हूँ भाई, 75 पार की बात करते थे मोदी की, 75 रैली करा लो तो भी राज बीजेपी का नहीं, जेजेपी का। साथियों, निवेदन है, प्रार्थना है आपसे कि आपकी ताकत जब बढ़ेगी, जब अपने हल्के से अपने गांव से पार्टी संगठन को मजबूत करने का काम करोगे। साथियों, बाद में कर लियो। साथियों, मैं तो निवेदन प्रार्थना आपसे इतनी करना चाहूंगा कि आज आपको ताकत देनी, एक एक साथी जब मजबूती के साथ मैदान में उतरेगा तो ये मोदी की पीछे की टीवी की ताकत के आगे, जैसे 1987 में चौधरी देवीलाल के कार्यकर्ताओं की ताकत ने मोर्चा मारा था, राजीव गांधी की केंद्र में सरकार थी, 411 सांसद थे, इनके तो 303 है। साथियों, ये हालात बनती जा रही है कि एक 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 दिन हर सीट पे आपकी बढ़ोतरी होती जा रही है। लोग जब चुनाव शुरू हुआ तो कहते थे ये सीट को नहीं आवे, ये सीट को नहीं आवे, और जिस दिन आपके टिकटों की आखिरी लिस्ट आई ये मानने लग गए थे कि 30-32 सीट तो निकालेगा। और आज वही पत्रकार साथी, वही सरकार में बैठे लोग ये भी कहते हैं कि भाई 55-58 पर तो जोटा जेजेपी मार सकते हैं। आप खुद देखो कि 30-35 से आप लोगों ने 20 दिनों के अंदर 55-57 पहुंचा दिया। साथियों, थोड़ी सी मेहनत ढीले ना पड़ियो, पिछली बार भी चुनाव जीत जाते, पिछली बार भी आप लोग आगे बढ़ जाते। आज ठाकर बाबू ने पगड़ी पहनाई है, मैं तो इनका धन्यवाद करूंगा सारे समाज का, और निवेदन करूंगा ये तिगराना को ताकत नहीं दी, ये भवानी खेड़ा को ताकत देने का काम किया है। चाहे इसमें खरक हो, चाहे इसमें धनाना हो, चाहे इसमें भवानी खेड़ा क्यों ना हो, एक एक गांव की जिम्मेवारी बनती है कि आम जन की आवाज को जो ताकत जननायक जनता पार्टी ने दी है, उस ताकत का सहारा बनकर एकजुट होकर राम सिंह बैद की ताकत को बढ़ाने का काम करोगे। और मैं तो डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी का एक संदेश आपके बीच में लेकर आया हूँ। भिवानी उनकी कर्म नगरी रही, उनने एक बात कही कि आज भिवानी का सबसे बड़ा दायित्व बनता, कर्तव्य बनता कि जिस तरीके से 1998 में चौधरी देवीलाल सिंह से ये भिवानी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को गोद मांग के आई थी, आज डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी आपसे निवेदन करते हैं कि आपकी अब जिम्मेवारी बनती है, उनकी गैर मौजूदगी के अंदर एक एक साथी को डॉक्टर अजय सिंह चौटाला बनकर अगले 4 दिन मेहनत करनी पड़ेगी। साथियों, मेरी तो विनती है, ये खट्टर साहब और के दिन प्रतिदिन टेंशन बढ़ती जा रही है। पहले तो एक गरीब ब्राह्मण की गर्दन पे फरसा लगा के कहते हैं गर्दन काट दूंगा, उचाड़ा की उम्मीदवार कहती है कि भाई कोई आंख दिखाए उसकी आंख निकाल लेना, आदमपुर की इनकी उम्मीदवार कहती है कोई भारत माता की जय ना बोले वो पाकिस्तानी है। साथियों, अनिल जैन बेचारा यूपी से आया है, हरियाणा की राजनीति को समझ रहा है, देख रहा है, क्या बोलता है कि दुष्यंत तो बंदर है, आग लगाता घूम रहा है। साथियों, 5 साल आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा, सांसद रहा, मुझे एक चीज बताओ, एक गलती किसी की लड़ाई के अंदर मैंने करी? हाँ, ग्रांट लिमिटेड थी, फिर भी प्रयास किया, एक एक पंचायत में चाहे पानी का टैंकर हो, डाणी के अंदर बिजली हो, गांव के अंदर कोई और सामूहिक काम हो, कोई चौपाड़ के निर्माण का हो, गौशाला का हो, मेरा प्रयास रहा कि एक एक व्यक्ति तक मैं अपनी ग्रांट को पहुंचाऊं, विकास कराऊं। मगर विकास ग्रांट से नहीं, पार्लियामेंट में भी जब जब बोलने का मौका मिला, चाहे किसान कमेरे की आवाज थी, चाहे हमारे यहाँ जब पानी भर गया था तो रातों रात मोटर लगवा कर पानी निकालने की बात थी, आपकी आवाज बनकर लड़ा। जैन साहब को बता दो, ये ट्रैक्टर को उन्हीं की सरकार ने ट्रक की श्रेणी में डाला था, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर बाढ़ के 1 महीने तक वापिस इसको आपकी सरकार वो सरकार है जिसने हरियाणा प्रदेश के अंदर नहीं,
देश के अंदर किसान के ट्रैक्टर के 60,000 के चलान कटा दिए, गरीब के मोटरसाइकिल के आज कितने के 25,000 के चलान कटा दिए। साथियों, राज बना दो, ये चलान प्रथा जो नई शुरू करी है इसको समाप्त कर पुराना मोटर व्हीकल एक्ट लागू कराएंगे। मगर उसके साथ साथ जो हमें बंदर कहते हैं उन साथियों की बात से घबराना मत, ये तो सौभाग्य है। बंदर तो हनुमान जी का रूप था नहीं था, अगर मैं बंदर और इतने बंदर और इकट्ठे हो गए तो वानर सिंह में प्यार हो गया। और खट्टर साहब, बंदरों की वानर सेना तैयार है साथियों, तो अब तो राम सेतु बनाने के लिए 5 दिन का समय है। एक एक वोट को पत्थर बना के समुद्र में घेर दो, एक पत्थर पे विधायक लिखकर राम सिंह वेद को भेज दो। उस राम रूपी लंका के अंदर रावण रूपी लंका जो बीजेपी ने बनाई, जिसमें भाई तारा तोड़ा है, उसको भी जलाने का काम करेंगे। और इस प्रदेश में राम राज लोक राज स्थापित करने का काम करेंगे। मैं तो ये वादा करता हूँ युवा साथियों से, इन खट्टर साहब की सरकार ने तो 5 साल में ग्रुप डी के अंदर क्या हालत कर दी। हमारे MSc, MTech, BTech करे हुए बच्चों को आज चपरासी भर्ती कर दिया। साथियों, माँ बाप लाखों रुपए खर्च करते हैं कि बेटा पढ़ के अफसर बनेगा, बेटी डॉक्टर बनेगी, पर खट्टर साहब ने के चपरासी लगाने का काम किया। पर साथियों, घबराना मत, इनकी तो ये सोच है कि आज SPO इलेक्ट्रिकल भर्ती की 80, हरियाणा की हिस्सेदारी कितनी 2, 78 बाहर के लाए। अमित शाह जी आए, कहते मैं खट्टर साहब को बधाई दूंगा, बाहर हरियाणा से नौकरी देने का काम करते हैं। साथियों, आज तो 2 लगाए, दोबारा आगे तो 5 साल में शायद हमारा एक भी बालक ना लगाने का काम करे। आज गुड़गांव की हालत, तो भवानी खेड़ा से दुष्यंत चौटाला को आप सुन रहे थे। दुष्यंत चौटाला यहाँ पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और JJP प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील कर रहे हैं। किस तरीके से BJP पर वो निशाना साध रहे थे, मुख्यमंत्री पर उन्होंने निशाना साधा, और इसके साथ ही जिस तरीके से BJP के तमाम नेताओं ने इनके खिलाफ जो बयानबाजी की है उसको लेकर भी सिलसिलेवार तरीके से जवाब दे रहे थे दुष्यंत चौटाला। आज ही आपको बता दें कि JJP का मैनिफेस्टो भी आने वाला है, घोषणा पत्र आने वाला है। पहले 12 बजे का वक्त दिया गया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि 1:15 बजे के करीब जो है वो मैनिफेस्टो आएगा JJP का। तो हो सकता है कि इस रैली को संबोधित करने के बाद दुष्यंत चौटाला जो है वो JJP का मैनिफेस्टो जारी करें।